अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और आज का दिन हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डिविडेंड। डिविडेंड वर्ड जो निकला है वो निकला है डिवाइड से, और डिवाइड का मतलब होता है हिस्से करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब सर बात ये हो रही है कि किन चीज़ों के हिस्से करने हैं और किन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो समझते हैं बेटा। जैसे सर मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में। इसका मतलब है ये वो कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट पब्लिक की है, यानी ये वो कंपनी है जो कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट को एंजॉय कर रही है, जनरल पब्लिक की। अब कंपनी को जब भी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जब भी फंड्स की नीड होती है वो अप्रोच करती है पब्लिक को, और पब्लिक इन रिटर्न पब्लिक लिमिटेड कंपनी को पैसे देती है। अब सर बात ये हो रही है कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अब सर यहाँ वर्ड पब्लिक तो जाहिर है कि ये जाहिर कर रहा है जनरल पब्लिक को कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कंपनी में जनरल पब्लिक करेगी, चले मान लिया। सर ये वर्ड लिमिटेड क्या इंडिकेट करता है? तो सुनिएगा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अनलिमिटेड, एक होता है लिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा होना, अनलिमिटेड होना, और लिमिटेड का मतलब होता है लिमिट, बाउंड्रीज सेट कर दी गई। अब बाउंड्रीज किस चीज़ की सेट की गई? फॉर एग्जांपल सर आपने बताया कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट पब्लिक करती है, तो इसका मतलब है ओनर कौन हुई? पब्लिक हुई। अब सर हुआ कुछ यूं कि कंपनी काम कर रही है, कंपनी के एसेट्स हैं 3 लाख रुपए के और कंपनी की लाइबिलिटी है 4 लाख रुपए की। अब कंपनी हो रही है लिक्विडेट, ठीक है। अब आप देखें कि 1 लाख के एसेट्स जो हैं वो डेफिशिएंसी है उनकी, कंपनी ने पे करने हैं 4 लाख रुपए और कंपनी के बाद एसेट है 3 लाख रुपए के। सर बाकी 1 लाख रुपए का क्या होगा? वो 1 लाख रुपए का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वर्ड लिमिटेड इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है। अगर कंपनी अपने एसेट से पूरी लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पाई तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी सेव है, ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी उसके लिए लाइबल नहीं है। तो वर्ड लिमिटेड यही बयान कर रहा था कि भाई हमारी लाइबिलिटी हमारे कैपिटल तक लिमिटेड है, जितना हमारा कैपिटल है हम आपको सिर्फ उतना पे ऑफ करेंगे, अगर उससे ज्यादा लाइबिलिटी एक्सीड कर दे तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। तो सर ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि वर्ड लिमिटेड का मतलब क्या है। अब हम बात कर रहे थे सर डिविडेंड क्या, तो उसके लिए सबसे पहले जो सिंपल बात है वो ये समझ लें कि सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट की, वही पैसा लिमिटेड कंपनी का कैपिटल बन गया, चले मान लिया। अब सर वो जो कैपिटल है कंपनी का, कंपनी क्या करेगी? कंपनी उससे इन्वेस्ट करेगी, कहाँ पे? अपने ऑपरेशंस में, अपने काम में लगाएगी वो पैसा। चले कंपनी ने वो पैसा अपने काम में लगा दिया, अब कंपनी उस पैसे से क्या करेगी? बिजनेस करेगी और अर्न करेगी। अब सर अर्न क्या करेगी? नॉर्मल सी बात है, नेट प्रॉफिट अर्न करेगी। अब सर नेट प्रॉफिट अर्न करने का मतलब यह है कि अगर वो ट्रेडिंग बिजनेस है तो वो बाइंग एंड सेलिंग करेगी। इसका मतलब है कि सर उसने सेल्स कर लिया, सेल रिटर्न हो गया, सेल डिस्काउंट हो गया, यानी नेट सेल आ गई। नेट सेल में से वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर चुका है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट में से वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर चुका है, आपकी ऑपरेटिंग इनकम आ गई, ऑपरेटिंग इनकम में वो अदर इनकम को ऐड कर चुका है और आप नेट प्रॉफिट निकाल चुके हैं। अब सर ये जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है, सर देखिए याद रखिएगा जितना भी प्रॉफिट होता है उस पे हक ओनर का होता है। अब सर ये जो नेट प्रॉफिट के हिस्से बांटे जाएंगे, ये जो नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके असल ओनर्स, यानी कि वो लोग जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, वो लोग जो कि कंपनी के शेयर होल्डर थे, जब शेयर होल्डर में वो प्रॉफिट बांटा जाता है तो वो कहलाता है डिविडेंड। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी कि डिविडेंड कैसे कहते हैं। अगर इन शॉर्ट बताऊं तो डिविडेंड उस अमाउंट को कहते हैं जो कि शेयर होल्डर में एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब सर देखें दो टाइम पे डिविडेंड दिया जा सकता है, एक तो एट द ईयर एंड, कि भाई नेट प्रॉफिट हुआ, साल खत्म हो गया, कंपनी ने अपना पीएनएल अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट बनाया, इनकम स्टेटमेंट में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, अब कंपनी जो है वो प्रॉफिट बांट रही है।
तो सर उसे हम कहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर जो डिविडेंड दिया गया। एक होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब है कि साल के बीच में कंपनी जब भी चाहे डिविडेंड दे सकती है। अब सर कंपनी साल के बीच में डिविडेंड दे क्यों रही है वो बिल्कुल एक अलग बहस है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। बस इंटरिम का मतलब है इंटरमीडिएट, बीच में, कि कंपनी का जब दिल चाहा कंपनी ने दे दिया। अब सर किस फॉर्म में डिविडेंड दे सकते हैं? देखिए डिविडेंड देने की दो फॉर्म, एक है कैश डिविडेंड, एक है स्टॉक डिविडेंड। अब सर ये कैश डिविडेंड क्या है और स्टॉक डिविडेंड क्या है उसका फर्क जान लेते हैं। सर सबसे पहले बात हो रही है कैश डिविडेंड की। सर डिविडेंड आपने बताया कि उस प्रॉफिट को कहते हैं जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इससे पहले वर्ड आ रहा है कैश। इस कैश का मतलब क्या है बेटा? कैश डिविडेंड का मतलब है वो प्रॉफिट जो कि शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इन फॉर्म ऑफ कैश। क्या मतलब? मैंने ये कहा कि जिस जिस शख्स के पास मेरी कंपनी का एक शेयर है, हर शेयर के बदले मैं एक रुपया एज अ प्रॉफिट दूंगी, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कैश डिविडेंड। क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कैश। अब बात हो रही है सर सेकंड स्टॉक डिविडेंड। ये स्टॉक डिविडेंड क्या है बेटा? आपने नाम सुना होगा बोनस शेयर्स का। सर स्टॉक डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जब कंपनी एज अ प्रॉफिट आपको शेयर्स के ऊपर शेयर्स देना शुरू कर दे तो वो कहलाता है स्टॉक डिविडेंड। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ये कह रही है कि जिस शख्स के पास मेरी कंपनी के 5 शेयर हैं, हर शेयर के बदले में एक और शेयर दूंगी एज अ प्रॉफिट, तो ये कहलाएगा स्टॉक डिविडेंड। कि जब कंपनी शेयर के बदले आपको एज अ प्रॉफिट शेयर के ऊपर शेयर दे रही है तो वो कहलाएगा स्टॉक डिविडेंड। तो सर ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैश डिविडेंड किसे कहते हैं और स्टॉक डिविडेंड किसे कहते हैं। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को डिविडेंड देना लाजमी है? नहीं बेटा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को डिविडेंड देना लाजमी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, कि अगर एक बार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, एक बार कंपनी ने डिविडेंड देने का वादा कर दिया, तो अब कंपनी के लिए लाजमी है कि कंपनी उस डिविडेंड को पे ऑफ करे। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक डिविडेंड समझ में आ गया होगा। अपना फीडबैक जरूर दिया करें कमेंट में ताकि हमें पता लगे कि आप ये तमाम चीजें सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।